युवा पीढ़ी के नजरिए से देखते हैं? लाइक मैं यंगस्टर हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया है कि कैश लेके घूमना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ये हो चुका है. अभी कैसा होता है, कोई चीज़ें मैं मार्केट में खरीदने जा रहा हूँ, सो मेरे लिए सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होता है तो पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ोन निकाले जीपे ओपन करके स्कैन. सो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है ना पैसे कैरी करना. लाइक मैं अगर मेरी पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ सो लाइक मेरे पास ना जब भी पैसे होते हैं ना जेब में तो वो गिर जाते, कभी भी हमेशा गिरते हैं, ऐसा नहीं कभी कि पैसे नहीं गिरे, 500 1000 जितने भी हो पैसे जेब में से गिर जाते हैं. तो मेरे लिए बहुत इजी हो चुका है कि कहीं पर भी जाओ पैसे लो नहीं लो, बस फोन लेके घूमो और स्कैन करो एंड एवरीथिंग इज डन. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और इन फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही टाइम है, ठीक है. अभी नोट्स एंड ऑल सब जब बंद होता है इन फ्यूचर, ठीक है, ये भी बंद होता है, देन क्रिप्टो करेंसी इज वेरी गुड थिंग, ठीक है, वो फ्यूचर है और वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है. मेरा ये टेक है बिकॉज सिंस हम लोग यंग है तो यू नो एक्टर है इन्फ्लुएंसर है तो वी अर्न अ सर्टेन अमाउंट एंड उसको यू नो इन्वेस्ट करना अच्छी तरीके से इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि बीइंग यंग आपको यू नो पैसे का उतना नॉलेज नहीं होता है तो यू नो गोइंग टू बैंक एंड ऑल ऑफ दैट इज अ बिग यू नो मेस क्योंकि हम Gen Z को फोन ज़्यादा पसंद है एज ही सेड तो कन्वीनियंस के हिसाब से दिस इज अमेजिंग बिकॉज दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड यू नो एक सेविंग्स होती है अलग चीज़ होती है जो बैंक में होती है घर में होती है बट क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग कि वो डबल होती है एंड यू नो उसको अगर आप कन्वीनियंटली ट्रैवल में यूज कर सकते हैं यू नो दे आर गिविंग हॉलीडेज एंड सच अमेजिंग ऑफर्स सो हॉलीडे किसको नहीं पसंद है आप ही बताओ. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड आई फील लाइक यंग जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो एक सेफ जगह पे अपनी अमाउंट यू नो सेव कर सके फ्रॉम अ यंग एज ताकि आगे जाके यू नो ये हैबिट कल्टिवेट हो जाए उनमें. सो या आई फील इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड अमेजिंग. क्या क्रिप्टो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, हम बिलीव कैसे करें कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका आगे चल के कुछ मिसयूज ना हो या फिर हमारे पैसे डूब जाए? ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सवाल है इनका. तो क्या होता है, यूजुअली इंडिया में जो क्रिप्टो राइट नाउ रेगुलेटेड नहीं है और इलीगल भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट 30% टैक्स दे रही है आपके प्रॉफिट के ऊपर और गवर्नमेंट उसको G20 के जो समिट है इसमें उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि उसको रेगुलेशंस लेके आए. तो क्रिप्टो में क्या है, जब भी आपके बैंक अकाउंट में अगर उसको आप ट्रांसफर करके लेंगे कोई भी अमाउंट क्रिप्टो से तो उसका प्रॉफिट का जो आपको इनकम टैक्स पर 30% आपको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को. जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट भी करते हैं वहाँ भी 30+3+1.5+0.5 सेस ओवरऑल 35% आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है. तो अगर आप डिजिटली रख रहे हो और बट आप किसी और को पे कर रहे हो डायरेक्टली तो वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं है. ओके, जब तक आपके पैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज़ेरोधा में आप ट्रेड करते हो इंडियन मार्केट में, आपका अमाउंट बैंक अकाउंट से जाएगा ज़ेरोधा के ब्रोकर के अकाउंट में, वहाँ पर ट्रेड होगा, ट्रेड होने के बाद फंड वही रहेगा तो टैक्सेबल नहीं है. अगर वो आप अपने बैंक अकाउंट में वापस लेते हैं यूटिलाइज करते हैं तब जाके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आप जो कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में, क्योंकि इंडिया में अभी भी रेगुलेटेड नहीं हुआ है, जब वजीर एक्स थी इंडिया के अंदर में वो भी जब इंडिया में जब रूल्स आया कि क्रिप्टो के ऊपर कुछ और वो रूल्स लेके आ रहे हैं तब वजीर एक्स भी शिफ्ट हो गया दुबई को, क्योंकि दुबई इज अ जीरो टैक्स कंट्री है जहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं, ओनली फिजिकल गुड्स के ऊपर अभी से वो लोग लगा रहे हैं. तो क्या है, दुबई में रजिस्टर्ड है कंपनी कंप्लीटली, ब्लॉकचेन के ऊपर है, ट्रांसपेरेंसी है, आपको आपको एक्सचेंजर में देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे आपका कॉइन का सप्लाई सेलिंग कितना पेंडिंग है सब क्लियरली आपको ओपनली दिखेगा, जो जेन्युइनली दिखेगा. और इसके अंदर जब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी और का वैलेट में ट्रांसफर करते हो ओके फंड, आप किसी को फंड भेजना है तो ट्रांसफर करने पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा जब वैलेट टू वैलेट हो रहा है. और हमारा टारगेट यही है कि जून में लॉन्चिंग के बाद हम इंडिया के अंदर जितने भी शॉप के लोग हैं या कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाले लोग हैं इन सब के अंदर हमारे टोकन्स के वो लोग ट्रांजेक्शन को यूज़ कर सके, इस तरह का एक वैलेट लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग जब भी कोई ख़रीदना हो ई कॉमर्स वेबसाइट से हो या किसी से हो इस डिजिटल हमारे एसेट को यूज़ कर सकते हैं, उससे बाय कर सकते हैं. हाँ जी सर, सो NGC टोकन इसका फुल फॉर्म है नेक्सजेनिक टोकन और ये टोकन के जो कंपनी है दुबई से है और जो हमारे CEO है वो केन्या से है, उनका नाम है जोसेफ नगवाड़ा जो खुद के 7 साल से ट्रेडर रह चुके हैं, वो दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग पिछले 7 सालों से कर रहे हैं. और इस बार हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट था कि कोई ऐसा एक क्रिप्टो करेंसी
को लॉन्च करें जो इंटरनेशनली यूज हो सके, और उसी तरह हमारे कंपनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो टोकन है ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल हो इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग्स में, इंटरनेशनल जो चार्टर्ड फ्लाइट्स आते हैं या फिर लग्जूरियस स्टे रिसॉर्ट्स का जो बुकिंग होता है इनमें यूज़ हो। क्योंकि क्या होता है यूजुअली बहुत बड़ा हमको खर्च आ जाता है, जब बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, अगर आप कार्ड पेमेंट करते हैं 1.5 से 2% लगते हैं, जबकि आप इस टोकन के जरिए अगर करेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई भी कंट्री का बीच का भी कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। वरना आपको सवाल पूछेंगे कोई भी कंट्री से आपको कोई पैसा आता है तो पूछते हैं किस लिए आया है, क्यों आया है, बैंक फ्रीज होता है। बट यही डिफरेंस है कि जब आप नॉर्मल अपने एसेट्स को डिजिटल एसेट्स में बदल देते हैं तब आपको किसी से सवाल कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको इजी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, हाई स्पीड में हो जाएगा और कोई बिना बॉर्डर के लिमिटेशंस के हो जाएगा। तो हमारा एनजीसी टोकन्स को प्री लॉन्च करने का मकसद ये है कि कंपनी यहाँ से इनिशियल ऑफरिंग करेगी, कॉइन ऑफरिंग करेगी, लोग खरीद सकते हैं। टोटल 1 करोड़ कॉइन का सप्लाई है कंपनी का, जिसमें 40% मतलब 40 लाख कॉइन को इनिशियली कॉइन ऑफरिंग बोलते हैं, जो पब्लिक को ओपन रहेगा, जो खरीद सकते हैं। और इस 40 लाख कॉइन के बदले 40 लाख कॉइन उनको रिटर्न्स में मिलेगा एज ए स्टेकिंग रिवॉर्ड, मतलब जो भी कॉइन खरीदेगा उसको 1 साल तक इसको स्टेक करना है, होल्ड करना है, और इसके बदले कंपनी उनको जितना खरीदा है उतना ही एक्स्ट्रा कॉइन उनको दे देती है, मतलब उनका कॉइन डबल हो जाता है 1 साल के अंदर। और इसका जो मेन लॉन्चिंग हमारा ओन एप्लीकेशन का लॉन्चिंग होगा ये 8 जून को होगा, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के फंक्शन के स्टेज पर ही होगा और हमारे सीईओ सर भी उसमें अटेंड करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है, हर कोई जानता है। एनजीसी की बात करें कहीं ना कहीं नया ब्रांड है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किस तरह के आप कैंपेन चलाने वाले हो और आदित्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे का क्या कारण है? सी आदित्य खुराना इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हमारा ये मकसद है, क्योंकि एक यूथ आइकॉन है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली वो लोग उनको जानते हैं। और क्या होता है आजकल ज़्यादातर क्रिप्टो के अंदर यंगस्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात है और बहुत उम्र वाले लोग इसको समझने में उनको थोड़ा वक्त लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, नया टेक्नोलॉजी क्या है। तो यूथ आइकॉन है इसलिए हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर करके चुना है इसके लिए, और उनका कनेक्शंस ओवर द सीज इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा है। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी इस फंक्शन के बाद इसी महीने में वो तंजानिया भी जा रहे हैं, वहाँ भी हमारा कैंपेन चलने वाला है मार्केटिंग का। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। तो कंपनी का मकसद ये है कि पूरे वर्ल्ड में इसका लॉन्चिंग हो जाए। और पहले से हम लोग अभी इंडिया को क्यों चुना है, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, इंडिया इज़ ए वेरी बिग मार्केट इन द वर्ल्ड। सो जो दुबई की कंपनी है इसने भी इंडिया को ही चुना है प्री लॉन्च करने के लिए और लॉन्चिंग करने के लिए। तो हम मार्केटिंग के लिए ही कंपनी में 10% टोकन्स को रखा हुआ है, मतलब 10 लाख टोकन सिर्फ मार्केटिंग और कोलैबोरेशन के लिए ही कंपनी ने रखा हुआ है, जिसको हम यूज़ करके मार्केटिंग को बढ़ाएंगे। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा? सर कंपनी के अंदर जो भी टोकन आप खरीदेंगे इस टोकन के अंदर आपको जो भी टोकन खरीदेंगे डबल आपको टोकन्स मिलेगा। अब जो भी अमाउंट कंपनी के अंदर में आएगा इसको हम पिछले 7 साल से कंपनी जो ट्रेड कर रही है उस ट्रेड को कंटिन्यू करेगी और उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करके इसको जब एक्सचेंजर में लिस्ट करेंगे, हम 8 जून को उसी आइकॉनिक अवार्ड के स्टेज में ही इसको सीडेक्स हमारा एक्सचेंजर है उनसे ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, वहाँ पे पहले हम लिस्टिंग करेंगे, वहाँ पे जो ये लोगों ने खरीदा है वैल्यू उससे बेहतर वैल्यू में ही उसमें लिस्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद का हमारे जो वाइट पेपर में मेंशन किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में बाई 2024 अप्रैल 30th और May 1st, जो कि 1 साल पूरा हो जाएगा प्री लॉन्चिंग से लेकर, उस टाइम तक बिनेंस और अदर एक्सचेंजर्स में भी आ जाएंगे। पहले 6 महीने की बात की जाए तो कितने एप्लीकेशन आपको लगता है लोग डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे? सर अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज में है, अब हमने एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया है, तो यहाँ से प्री लॉन्चिंग में जितना भी लोग प्रमोशनली खरीदेंगे उनको कंपनी एक ऑफर दे रही है कि 10% एक्स्ट्रा टोकन्स दे रही है, जितना खरीदेंगे उसे 10% ज़्यादा दे रही है। और एप्लीकेशन की बात की जाए ये होगा 8 जून को लॉन्च जो अपना ओन एप्लीकेशन। हमारा टारगेट ये है कि अगर कोई 100 टोकन भी खरीद लेता है 8,500 से 100 टोकन का वैल्यू होगा $100, एक टोकन का वैल्यू है इनिशियल ऑफरिंग में $1, तो 8,500 या 8,300 आएगा।
यहाँ पे एक बंदा बल्क में खरीदे ये जरूरी नहीं है, बट बहुत सारे यूजर्स हों ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए। तो कंपनी 100 टोकन भी ऑफर कर रही है, तो इसके अंदर हमारा टारगेट है कि बहुत सारे लोग के पास रीच हो जाए और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे लोग अपना यू नो एक साल बाद जब फ्यूचर में यूज करेंगे इसको, तो ट्रैवल में, टूरिज्म में, इन सब में हर बंदा तो ट्रैवल करता है फ्लाइट से, तो फ्लाइट बुकिंग में अगर आप इंडियन कार्ड्स में जाते तो बहुत सारा झमेला है। इसमें क्या है, वन क्लिक के अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ सब कुछ हो सकता है। ऑनलाइन की बात की जाए, कहने के लोगों को एक डर सा लगता है कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, और आप एक साल तक होल्ड करने की बात कर रहे हैं, लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? हाँ सर, पहला बात तो यह है कि जब क्रिप्टो का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। तो हमने जो ब्लॉकचेन यूज़ किया है ये BSC का है, मतलब बिनेंस का ब्लॉकचेन है जिसको हमने यूज़ किया हुआ है, विच इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। और मेटामास्क के अंदर हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है सीडेक्स के साथ, वो पब्लिक को विजिबल रहेगा June 8 के बाद, जहां आप चेक कर सकते हो कि जेन्युइनली ये प्रोजेक्ट चल रहा है। क्योंकि बहुत सारा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट में दिखता है, कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आपको ट्रांसपेरेंसी है, कॉइन का सप्लाई दिखेगा, कितना बिका है वो दिखेगा एक्सचेंजर के अंदर, और कितना पेंडिंग है सब ट्रांसपेरेंटली आपको दिखेगा। आदित्य, मेरा सवाल एक आपसे है। जी सर। कहीं ना कहीं NGC टोकन का चेहरा आप है। जी सर। मोहम्मद जी, हिंदुस्तान में आप NGC टोकन का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? फ्यूचर का तो मैंने खुद का भी नहीं देखा है तो NGC टोकन का आई थिंक ऑल डिपेंड ऑन द मार्केटिंग के अस्कान कैसे मार्केटिंग करते हैं इस चीज़ को। उनका प्रोडक्ट है, उनका बच्चा है। जैसे मैं अपने बेबी को लेकर जहाँ भी प्रमोट करता हूँ आइकॉनिका वॉच को, जहाँ पे मैंने इतने साल कंप्लीट किया, तो वो उनके ऊपर है कि कैसे प्रमोट कर रहे हैं। एज़ ही हैज़ कम टू आर प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म पर वो आए, तो हम अपने तरफ से बेस्ट प्रमोशंस दे रहे हैं, बाकी फ्यूचर ऑल द कस्टमर्स विल डिसाइड। आप अपने प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हो, आइदर इट मे आज हो सकता है आ जाए, किसी को नहीं पता था कि बिटकॉइन आज जाके 35 लाख का बनेगा, जबकि स्टार्टिंग में उसको कहते हैं मदर कॉइन एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 4 पैसा। तब किसी को नहीं पता था कि जो 4 पैसा में खरीदे आज वो लखपति बन जाएगा। तो कोई कॉइन्स जितने भी लॉन्च हो, हमारा काम है स्पॉन्सर को वेलकम करो, स्पॉन्सर को उनकी मार्केटिंग दो, अपने तरफ से बेस्ट करो। रेस्पॉन्सिबिलिटीज वी डोंट टेक ऑफ एनीवन, बिकॉज सीजन वाइज के बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं। अब सबके आप पता नहीं उनके क्या बैकग्राउंड रहेंगे, हमारा काम है कि सीजन भर उनको प्रमोट करो, स्पॉन्सराइज करो एंड सब करो एंड वी एंड इट। उतने में हमारे मार्केटिंग अपना बेस्ट देते हैं, मार्केटिंग अपना बेस्ट देते हैं एंड वी डू ऑल द बेस्ट फॉर द मार्केटिंग। बट अगेन डिपेंड्स दैट हाउ ही इज गोना टेक दिस प्रोडक्ट अहेड। I got involved because also one of the co-founder is the brand ambassador and जैसे वो man of the world है तो पूरे worldwide में उसका वो है, name है and also my friends like okay, so we are doing the best marketing for this, yeah. किसी को कुछ पूछना है? Thank you sir. Of course it's like everything is very very digital right now these days. GPay है, phone pay है एंड ऑनलाइन ऐप्स तो आपको पता ही है लाइक कितने सारे चल पड़े हैं, सो व्हाई नॉट करेंसी? एंड इफ द करेंसी इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दिस, सो देन व्हाई नॉट, इवन आई वांट टू ग्रैब सो मेनी। लेकिन समय के साथ साथ ना रिस्क भी हमें दिखाई देता है, चाहे वो जीपी भी हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ, तो उस रिस्क के जो फैक्टर हैं उसको कैसे चाहे वो डांस हो, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, हर जगह ही रिस्क है, तो थोड़ा सा तो लेना पड़ता है। अभी देखो वो रिस्की तो था कि सिर्फ मेरी प्लेटफॉर्म पे आपको अर्शी और राखी एक साथ देखने को मिलेंगे, उसके अलावा सिर्फ बिग बॉस में देखने के लिए मिले थे वो एक साथ। सो या अगेन इट्स अ रिस्क बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बोथ ऑफ देम ऑल टुगेदर। दोनों की लड़ाई चलती रहती है कि हाँ व्यूज मेरे ज्यादा आएंगे, व्यूज मेरे ज्यादा आएंगे, बट यस एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी बिकॉज दे ऑल आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स। So India is a big market for the people.
लेकिन आपकी खुद की बात करें तो आर यू हैविंग एनी प्लान टू गो समवेयर एल्स एंड शूट रिसेंटली कुछ है अभी upcoming? Yeah, I'm going to Dubai soon for my new video songs. So let's see अगर वहाँ पर भी ये जो coin है वहाँ पर अच्छा work कर पाता तो because Mohammed is me and he's my very 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 good friend and he is launching this coin. So yeah, of course I'm with him. When you gonna release it? Soon. Soon? No, this soon is not that big. It's very soon. Yeah. Anything else you wanna try? As we have seen you much dancing and acting, right? What else you do? Like, if I ask, you dance for your thing, you act, right? But what's your free time wala day? Yes. I don't think so कि मैं कभी भी free होता हूँ. मुझे वो खुद को ही लगता है because most लोगों को लगता है कि creator बनना बहुत easy है but it's not that simple. I know I'm shooting like all day and night for everything और looks को handle करना. फिर साथ वाले पार्टनर को हैंडल करना फिर कुछ स्मूचीज को हैंडल करना फिर कुछ सिडक्शन को हैंडल करना इट्स वेरी टफ सो आई थिंक लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी बट इट्स नॉट दैट इजी आई लव द वे यू आर बोर्ड जस्ट लाइक अ सावर आई कैन सी दिस इज हैपनिंग थैंक यू सो मच एनी अदर क्वेश्चन यू हैव राइट थैंक यू एवरीवन पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको निभाने का भार करेंगे आपके कंधों पर आपको क्या लगता है कितना सक्सेस हो पाएंगे सर जब ये ऑफर मेरे पास आया था तब उनके बाद खुद सर ने मुझे 3 दिन एक्सप्लेन किया था क्योंकि आपको भी पता है हमें पता है कि कितने सारे कॉइन्स मार्केट में है और इनका वैल्यू आज कितना है फिर आगे जाके इनको क्या होता है ये कंपनी कब क्या टर्न हो जाती है सबको पता है तो मेरा भी उनके आपने जो सवाल उनके लिए पूछा मेरे भी सारे सवाल उनके लिए थे 3 दिन हम लोग साथ में बैठे 3 दिन उन्होंने एक्सप्लेन किया उन्होंने मुझे सब समझाया उसके बाद जाके मैंने बोला कि ओके फाइन वी कैन गेट इट ओवर द सीज एज वेल फिर उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ा नथिंग दिस इज इज माई वेरी डियर फ्रेंड और बींग एन एक्टर एंड एन इन्फ्लुएंसर आई ऑलवेज बिलीव इन सपोर्टिंग योर फ्रेंड्स एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल क्रिप्टो इज़ अ न्यू करेंसी यू नो इट इज़ समथिंग लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव इट समटाइम्स क्या होता है कि क्रिप्टोज कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपने से बड़े एसेट्स यू कैन बाय बट दिस क्रिप्टो इज गिविंग समथिंग रियली गुड ऑफर्स आई वुड रियली वॉन्ट कि सारे लोगों को इसका पता चले मैंने सपोर्ट करना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद पर्सनली इतना ट्रैवल करती हूँ आई बाय सो मच मेरा पूरी जो लाइफस्टाइल है पूरी डिजिटल ही है सो आई थिंक बीइंग डिजिटल आई थिंक सबको इसका पता लगना बहुत जरूरी है और जो ऑफर वो दे रहे हैं आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक एंड आई थिंक एवरीबडी शुड नो अबाउट इट एंड बिकॉज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड एन एक्टर यू इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हिम सो आई एम हियर टू सपोर्ट हिम आप बताएंगे बेटा आज के जो मनी